ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 25 नवंबर 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:43 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 13,000 को क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है। और दूसरी तरफ डाउ जोन्स ने भी फर्स्ट टाइम 30,000 के लेवल को छुआ है, उसके ऊपर कल क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो जबरदस्त तेजी दुनिया भर में देखने को मिल रही है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 24 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 12,971। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ था और सेकेंड टारगेट के पास ही ऑलमोस्ट ओपन हुआ था। तो शुरू में यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा था और ऊपरी लेवल पे ये एक स्लगी शुए में ऊपर की तरफ और तेजी से ये बढ़ रहा था। तो 13,000 का लेवल कल क्रॉस कर दिया था, लेकिन जो हमने मार्केट से पहले जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नासडैक भी 12,000 के ऊपर कल क्लोज होते हुआ नजर आया, 156 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स भी कल हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। एशियाई बाजार भी आज ओपन हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं सभी ऑलमोस्ट हरे निशान में यहाँ पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 56 पॉइंट के बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 125 पॉइंट के इस समय बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल इस समय बरकरार है। तो निफ्टी इंडेक्स अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है, यानी इस लेवल में निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं था। ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये जो 38.2% का लेवल था, इसने इसको 4 वीक रिस्पेक्ट किया, उसके बाद इसको जैसे ही ब्रेक किया 50% के पास इसने पॉज लिया। 61.8% के बाद अभी कल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इसने हाई 13,072 के पास, यानी कल का हाई देखे तो 13,079 का हाई था। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हो रहा है। अभी ये आने वाले लेवल्स को अगर प्रोजेक्ट करें तो 100% का लेवल 13,777 के पास आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा गैप है यहाँ से ऊपर जाते वक्त। तो यहाँ से अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़रूरी होगा। ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय, कहाँ से करेक्शन आ सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, अनचार्टेड टेरिटरी है। यहाँ पर इस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं देखा गया था। ओवरबॉट जोन में आरएसआई आ चुका है, तो कॉशियस रहना होगा। अगर तेजी यहाँ से और बढ़ती है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना बेहतर हो सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आर्ली चार्ट में एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ था। अगर हम ये देखें, ये कप है और ये उसका हैंडल है, और इसके नेक लाइन का ब्रेकआउट कल मिला और भी तेजी यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में हमें देखने को मिली। तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट के बाद ये तेजी हमें यहाँ पर आती हुई नजर आई। अभी निफ्टी इंडेक्स ओवरबॉट जोन में है, तो अगर आज भी गैप अप ओपन होता है तो ऊपर सबसे पहला रेजिस्टेंस है 13,096 का, पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है। तो इसको कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 13,114। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,128। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, 130 कर देते, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है, यानी 13,036,
इसको ब्रेक कर लीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,024। ये एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 13,008, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।